वेलकम टू एचएम क्लासेस एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम कवर कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन दो हज़ार चौबीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप नेट नहीं किए हुए हैं और यदि आप ये सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो भी आप उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना नेट के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और काफ़ी सब्जेक्ट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं चलिए हम आगे बढ़ें आप हमारे चैनल तो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहले हम आ जाते हैं कि किस सब्जेक्ट में सेट के लिए नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें लगभग थर्टी टू सब्जेक्ट्स हैं मराठी हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू हिस्ट्री इकनॉमिक्स फ़िलासफी साइकोलॉजी सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी, होम साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैथमेटिकल साइंस इन्वामेंटल साइंस फिजिकल साइंस केमिकल साइंस लाइफ साइंस अर्थ अर्थ साइंस है जोग्राफी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक साइंस फॉरेंसिक साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ एजुकेशन फ़िजिकल एजुकेशन इसमें थर्टी टू सब्जेक्ट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेक्स हमें देखने को मिल रही है दो हज़ार चौबीस के लिए निकला हुआ है नोटिफिकेशन अगर आप नेट नहीं हैं अगर ये सेट कर लेते हैं तो आप इस राज्य में ईजीली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं ये जो वैकें ये जो सेट एग्ज़ाम होने जा रहा है वो हो रहा है महाराष्ट्र इस्टेट एलिजिबलिटी टेक्स एम सेट फॉर असटेंट प्रोफेसर इसमें अगर एलिजिबिलिटी की हम बात कर लें तो कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी फ़िफ्टी फाइव परसेंट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फिफ्टी फाइव परसेंट के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अदर कैटेगरी से हैं रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप इसमें फिफ्टी परसेंट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको जैसे महाराष्ट्र में आपको आ, जॉब चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जो सेट का नोटिफिकेशन है वो आपके सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी स्टेट एजेंसी है इसकी वहाँ से ये आ, नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसकी इम्पॉर्टेंट इसमें इस, इस वेबसाइट पे आपको इसके सिलेबस भी दिख जाएंगे अपडेटेड सिलेबस अवेलेबल है लास्ट ईयर के भी इसमें जो क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे और अप्लाई कैसे करना है हम उसमें बात कर लेते हैं ये इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बारह जनवरी यानी कल से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सुबह ग्यारह बजे से इकतीस जनवरी शाम को छः बजे तक ऑनलाइन जो फीस है इसमें लिखा पीरियड फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस फाइव हंड्रेड विल बी अगर आप इकतीस जनवरी के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको लेट फीस के साथ सात फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लेट फीस फाइव हंड्रेड है अगर जनरल फीस अगर हम करें तो ओपन यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है फिर आप महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं ओपन कैटेगरी के, के लिए एट हंड्रेड रुपीज़ है और ओबीसी और जो भी मतलब वहाँ की जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनकी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए सिक्स फिफ्टी रुपीज़ फीस है इसमें और इनके लिए वैसे देखा जाए तो सेट एग्ज़ाम के लिए कोई एज की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है तो आप इसमें किसी भी एज के हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है इसकी मेन वेबसाइट पर आपको सब दिख जाएगा आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं सेट एग्ज़ाम डॉट यू एन आई पी पुणे डॉट ए सी डॉट इन सेट एग्जाम डॉट यूनिवर्सिटी का यू एन आई है पुणे डॉट ए सी डॉट इन पर आप सर्च करके बाकी की डिटेल इसमें ले सकते हैं यहीं से आपको अप्लाई करना है जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे नए है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू